कान में बैठे रफ्तार करते हो। आमीन। ये चटनी है गाइस, अपने पीछे से लग रहा है नया दस्तरखान लगा के बैठे हैं। मेरे मुंह पर दाने हो रहे थे और मैंने जैसी वीडियो डाली कि मेरे मुंह पर दाने हो रहे हैं। इसका टाइम से पड़ेगी ना जोहर, टाइम से पड़ेगी ना असर, टाइम से पड़ेगी ना मगरिब में दस्तरखान छोड़ के भागती है ये। जानवाज़ पे खड़ी भी नहीं हूँ मैं। चुका है इसका टच जो है वो काम नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज नवी सहरी की नवी अफ्तारी आ गई है 9th। सो ये रही, आज कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है बिल्कुल भी, मतलब एक हफ्ता गुजर गया है तो अब बिल्कुल भी कुछ भी खाया नहीं जा रहा है। ऐसे ही अब हमारे दस्तरखान पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना करेगा, बाकी सिर्फ फ्रूट चाट और पकौड़े लाजमी होते हैं हमारे घर में, और ना सब खाना खा लेते हैं। पागल हो गई, गर्म हो रहा है। गर्म ही अच्छा लगेगा, मैं ही करके लाई हूँ ना गर्म। दुआ मांगो अपने नसीबों की, दुआ मांगो कि अल्लाह अगले साल में बैठे अफ्तार करते हो। आमीन। और क्या नाम है, तुम्हारे नौकर चाहकर तुम्हें अफ्तारी खराब खराब बना के कोकरे के खोल के आएगी आवाज़। अपने पीछे से लग रहा है नया दस्तरखान लगा के बैठे हैं। सही है, हर चीज अपने पीछे को घुसा लो। ये चटनी हमारी फेवरेट है, बोल बोल। हर खाने के साथ खाई जाती है, सिर पकोड़ों के साथ। पूरे रमजान एक ही चटनी बनती है, इमली पुदीना की और साबुत मिर्चों की। ईशा पुदीना। तो भाई यहाँ पर ये आ जाता है हमारी चुकंदर की बारी। सो एग्जैक्टली मेरे मुंह पर दाने हो रहे थे और मैंने जैसी वीडियो डाली कि मेरे मुंह पर दाने हो रहे हैं, और पप्पो को बताया था कि मेरे मुंह पर दाने हो रहे हैं यार पप्पो, तो पप्पो ने बोला भाई चुकंदर का जूस पियो सब सही हो जाएगा। तो वैसे ही मेरी बहन ने चुकंदर का जूस बना दिया। मेरे दानों की टेंशन से ज़्यादा मेरे पप्पो को मेरी बहन को मेरी टेंशन हो गई। एग्जैक्टली आई एम सो लाडली क्योंकि बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। फिर जो है ये चुकंदर का जूस पिया। दस्तरखान हमारा लगा हुआ है, ठीक है, नमाज का टाइम। और ये ना फजर इसका टाइम से पड़ेगी ना जोहर, टाइम से पड़ेगी ना असर, टाइम से पड़ेगी ना मगरिब में दस्तरखान छोड़ के भागती है। ये देखें दस्तरखान भी अभी मैंने आपको दिखाया, और इसकी जानवाज़ पे खड़ी भी नहीं हूँ मैं। खुल गया था वजू, खुल गया था। मैंने तुझसे बोला था कल मोबाइल लगा दिया चार्जिंग पे, तुमने लगाया कब? बोला मुझसे रात को। चैनल दिखा अपना यूट्यूब का। देखें फ्रेंड्स हमारा ना ये मोबाइल है, और ये तकरीबन ना पूरा डैमेज हो चुका है। इसका टच जो है वो काम नहीं कर रहा है। इतनी मुश्किल से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। अल्लाह पाक हमारा साथ दे दे आए, और बाकी सबका भी साथ दे दें। ये देखें ये हमारा चैनल है, अल्लाह पाक माशाल्लाह माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है स्लोली स्लोली। अगर आप लोग साथ देंगे तो ये फिर जो है ना अर्जेंटली भी ग्रो कर सकता है। एक दिन में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल होना चाहिए बस। जहाँ जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहा है वही चैनल है ये, बस सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। जी ठीक है भाई। और ये हमारा मोबाइल है, ये वही मोबाइल है जिससे हम बहुत डैमेज, स्क्रीन खराब, टूटा फूटा पैनल खराब। इसका फिल्टर बहुत अच्छा है, क्लीन वीडियो बनती है। सही है भाई, इसलिए हम इसको अभी निकाल नहीं रहे क्योंकि नेक्स्ट भी हमें इससे अच्छा ही लेना। तो भाई यहाँ मेरी चाय बन रही है, चाय और दूध तो मैंने पहले ही उबाल लिया था, बाकी वो गिलास में रखा हुआ है शरबत उसका, चुकंदर का। बाकी ये एयर फ्रायर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि जो है ना गैस उस टाइम आ नहीं रही थी, इसलिए हमने इसमें जो है ना दोबारा पकोड़े वगैरह गर्म किए। पकोड़े पहले के बने हुए थे, उसे दोबारा ताज़े करने थे ना, ठंडे खाए नहीं जाते, तो फिर हमने इस पर किए थे भाई। बाकी सब कुछ मैंने बर्तन वर्तन धो लिए हैं, यहाँ करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।